इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। और मैं आपको बता दूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बता दूँ, आपके ऋषिकेश और अधर तीर्थ यात्रा के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया और इस आपका जो चारधाम यात्रा है उस पर रेल लाइन का बिछाने का निर्णय ले लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, 2019 में इसका हवाई सर्वे भी करा लिया गया है। तो दोस्तों, मैं अब आपको वो चार धाम कौन कौन से हैं जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी करेंगे और आप एक एक धाम से दूसरे धाम तक किस प्रकार जा सकते हैं, किस तरह से ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चार धाम मात्र यात्रा रेल से और आपके जुड़ेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। ये वो चार धाम हैं जो प्रसिद्ध चार धाम हैं और यहाँ पर श्रद्धालु बहुत जाते हैं हर साल। इसी को देखते हुए इस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट का निर्माण करने के लिए 2021 में इसका शिलान्यास किया जाएगा। दोस्तों, देहरादून केंद्र सरकार चारधाम क्षेत्र के रेल परियोजना से जोड़ने के तैयारी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सर्वे पूरा कर लिया गया है और इसका जो प्रस्ताव है वो भी फाइनल हो के इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की DPR पर कार्य अब चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो चार धाम रेलवे लाइन है इसको 2025 में फाइनल कर लिया जाएगा। और इस रेलवे लाइन की जो दूरी है 327 किलोमीटर होगी चार धाम रेल परियोजना। और प्रस्तावित चार धाम रेल परियोजना में 327 किलोमीटर डोईवाला से गंगोत्री और देहरादून से उत्तरकाशी का रेल लाइन जोड़ा जाएगा और इसके अंदर 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा अनुमानित माना गया है और 21 नए स्टेशन लगाए जाएंगे और 61 इसके अंदर सुरंग होगी और 59 पुल बनाए जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ऋषिकेश से कार्यप्राण 12 रेलवे स्टेशन बनेंगे। वीरभद्र, ऋषिकेश, शिवपुरी, व्यास, देवप्रयाग, श्रीनगर, मलेथा, धारी देवी, धौलतीवीर, कोचार। ये 125.10 किलोमीटर का टुकड़ा होगा जो हमारा आपका चार धाम में बनाया जाएगा, मतलब देहरादून के अंदर ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। दोस्तों, इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का सर्वे फाइनल कर अब सरकार इस रेलवे लाइन को धरातल पर उतारने जा रही है। 2021 में इसका शिलान्यास किया जाएगा और 2021 में ही इसका निर्माण प्रारंभ करके 2025 तक इसका सरकार इन चारों धामों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, वो चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ चारों के चारों एक साथ जोड़े